फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपास्य त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बार बार खराब हो जा रही है तो वो क्या चीजें हैं जिसका ध्यान हस्बैंड और वाइफ दोनों को रखना चाहिए जिससे कि इसको प्रिवेंट किया जा सके और आने वाली प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली 9 मंथ्स के बाद बेबी में कन्वर्ट किया जा सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बार बार प्रेगनेंसी रुकने के बाद खराब हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है और ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बहुत पेनफुल है। ये मिसकैरेज किस लिए हो रहा है उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है और उसका ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा खुद से कर सकते हैं जिससे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये मिसकैरेज ना हो? हम अपने एंड पर क्या चीज़ें कर सकते हैं? और जो मैं आज चीज़ें बता रही हूँ वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी किसी एक से ही नहीं होती है। जो प्रेगनेंसी है वो मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के मिलने से ही होती है, रुकेगी तभी सक्सेसफुली रुकेगी जब मेल और फीमेल दोनों हेल्दी होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्टली, अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं, चाहे अल्कोहल की फॉर्म में, स्मोकिंग की फॉर्म में, टोबैको की फॉर्म में, किसी भी तरह का अगर आप करते हैं और आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है आपकी वाइफ को, तो आप उसको बंद कर दीजिए। और अगर आप फीमेल हैं और आप इसमें से कोई भी चीज़ कंज्यूम करती हैं तो उसको बंद कर दीजिए। आप डेस्परेटली चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी रुक जाए और अच्छी तरह से रुके, सक्सेसफुली लैंड अप करे, 9 मंथ्स कंप्लीट करके बेबी आपके हाथ में आए, तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। अगर आप ये हैबिट्स करते रहेंगे तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज में बार बार लैंड अप होगी, क्योंकि ये जो हैबिट्स हैं ये रिकरेंट मिसकैरेज का भी एक रीजन है। नेक्स्ट, आपको अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबको पता है क्या हेल्दी है, सबको पता है क्या अनहेल्दी है। तो कुछ टाइम के लिए, स्पेशली जब आप चाहती हैं कि प्रेगनेंसी रुके और अगर मेल पार्टनर चाहता है कि प्रेगनेंसी रुके, तो दोनों हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना ट्राई कीजिए, प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए, जो चीज़ें न्यूट्रिशनस हैं वो लीजिए, जो जंक फूड है, जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स हैं और बहुत ज़्यादा एरेटिक ड्रिंक्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह की चीज़ें मत लीजिए जो पता है कि डेफिनेटली खराब करेंगी हॉर्मोन्स को, खराब करेंगी यूट्रस की हेल्थ को, और इम्प्लांटेशन ठीक तरह से नहीं होगा, अच्छा एग नहीं बनेगा, अच्छा स्पर्म नहीं बनेगा, और बिल्कुल भी प्रेगनेंसी अगर रुक भी जाएगी तो इस तरह की प्रेगनेंसी मिसकैरेज में लैंड अप हो जाती है, क्योंकि वो वीक प्रेगनेंसी होती है और नेचर का इटसेल्फ एक कॉल है कि वो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सबसे फिट है उसी प्रेगनेंसी को आगे लेता है, अदरवाइज वो मिसकैरेज में लैंड अप हो जाती है। नेक्स्ट, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। मुझे पता है अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो टेंशन हो जाती है, या प्रेगनेंसी रुक रही है बार बार खराब हो जा रही है तो भी स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रेस है अल्टीमेटली ये भी एक कारण है कि ये प्रेगनेंसी बार बार खराब हो जा रही है। आपको पहले क्योंकि एक बार मिसकैरेज हुआ था या 2-3 बार मिसकैरेज हो चुका है, तो आप फिर से अभी उतने ही स्ट्रेस में है कि कहीं ये प्रेगनेंसी भी नहीं खराब हो जाए। अब इस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, या अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो जो स्पर्म है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जो एग है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और इससे जब मिलके कोई एम्ब्रियो बनेगा वो जो है सही तरह से नहीं पनपेगा और वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगी वो प्रेगनेंसी और मिसकैरेज में लैंड अप हो जाएगा। तो इसलिए आपको किसी भी तरह का, इस तरह का आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ट्राई करना है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक्टिव रहें, और अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी ओवरवेट है तो आप ट्राई कीजिए कि पहले अपना वजन कम करें, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं और आपकी प्रेगनेंसी रुक भी गई है तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक ओवरवेट हस्बैंड के स्पर्म से प्रेगनेंसी रुक गई है तो उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल अच्छा ना होना, या वीक स्पर्म होना, और वीक स्पर्म से जब प्रेगनेंसी रुकेगी तो वो भी लैंड अप जरूर कर जाती है मिसकैरेज में। तो ट्राई कीजिए, अगर आप दोनों ओवरवेट हैं तो उस वेट को पहले ठीक कीजिए और उसके साथ थोड़ा एक्टिव रहिए, डेली थोड़ा वॉक कीजिए, और इस चीज़ को ऐसे लीजिए कि ये प्रेगनेंसी है जिसको हम चाहते हैं कि अब अच्छे से रुके, अब की बार मिसकैरेज नहीं हो, तो हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेंगे तब तक जब तक हम अपना गोल नहीं अचीव कर लेते। और वो गोल क्या है? एक हेल्दी प्रेगनेंसी। कुछ लोग होते हैं, वैसे तो ये हैबिट्स वगैरह हार्मफुल ही हैं, आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट मान लीजिए कोई चीज़ें हैं जिसको आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकता, या मैं शराब के बिना नहीं रह सकता, या मैं टोबैको के बिना नहीं रह सकता, या मैं जंक फूड के बिना नहीं रह सकती, तो आप ये सोचिए कि ये थोड़े टाइम के लिए आपको ज़रूर करना है। जब आपका बच्चा आ जाएगा उसके बाद आप देखिएगा आपको कैसी
सी लाइफस्टाइल देनी है, आगे क्या करना है, आपको ये सब करना है या नहीं करना, बट एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग जब आपको एक प्रेगनेंसी चाहिए जो मिसकैरेज में ना लैंड अप हो, खराब ना हो, तो माइंडसेट बना लीजिए कि जब तक हम अपना गोल नहीं अचीव कर लेते, एक हेल्थी बेबी हमारे हाथ में नहीं आ जाता, तो हम ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।